लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। करनाला बैंक घोटाले को लेकर अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और उसमें 19 से अधिक संचालकों के गिरफ्तारी और जो बकाया पैसा है जो निवेशकों का वो वसूलने का निर्देश हुआ है उसमें प्रावधान किया गया है। इस मुद्दे को उठाने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, लाखों निवेशकों का पैसा इसमें फंसा हुआ था और अब जाकर इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? पनवेल के क्षेत्र में करनाला बैंक काफ़ी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के लोगों से डिपॉजिट्स जमा करके उनके बेसिस पर इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांचेस इस क्षेत्र में खोली थी। विवेक पाटिल जो इस बैंक के अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक रह चुके हैं, चार चार बार यहाँ इस क्षेत्र से चुने गए हैं और उनकी जो पार्टी है शेतकरी कामगार पक्ष, ये शेतकरी कामगार पक्ष काफ़ी सारे सालों से इस ज़िले में और ख़ास करके पनवेल उरण तालुका में लोगों के लिए लड़ता आया और उसकी वजह से लोगों ने विवेक पाटिल है उनके ऊपर विश्वास रखा और ये विश्वास रखकर अपनी सारी जीवन की पूंजी बहुत सारे लोगों ने इस बैंक में रखी। लगभग 60,000 अकाउंट होल्डर्स इस बैंक के कुल मिलाकर थे। ये 60,000 अकाउंट होल्डर्स ने अपने बैंक अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में जो पैसे रखे, ऐसे सारे पैसे का मिसयूज करके विवेक पाटिल ने अपनी दो संस्थाओं के लिए मैं पैसा लेता हूं ऐसा दिखाया और आज उस पैसे का कहीं अता पता नहीं है। और आज पिछले दो सालों से हम देख रहे हैं कि बैंक में जिन्होंने अपने पैसे जमा किए थे, फिक्स डिपॉजिट में थे, ऐसे सारे लोग उनकी अपनी निजी इस्तेमाल के लिए अगर पैसा निकालने के लिए गए, उनको पैसा मिला नहीं। एक समय ऐसा था कि विवेक पाटिल इनके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं था, तो 7-8 महीने तो लगभग उसी में चले गए। फिर मैं और विधायक महेश बाल्दी जी, हमको आवाज़ उठानी पड़ी, हमने RBI के ऊपर मोर्चा निकाला, पनवेल शहर में मोर्चा निकाला, तब जाके 2020 के फरवरी में FIR दाखिल हुई। अब FIR दाखिल होने के बाद में एक तरफ उसकी CID के माध्यम से, पुणे CID के माध्यम से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसी के साथ साथ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जिसके अंडर इस बैंक को काम करने का प्रोविज़न था महाराष्ट्र सरकार का, ये इसने 88 की इंक्वायरी शुरू कर दी और जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी और उसके तहत आप जो बता रहे ये जो पैसे हैं, ये पैसे भरने के लिए अलग अलग जो डायरेक्टर्स थे वो उन लोग को यहाँ पे जिम्मेवार ठहराया गया। सर, एक चीज़ इसमें जो देखने के लिए मिल रही है कि जो उसमें अभी इस वक्त जो डायरेक्टर हैं और ऐसे भी डायरेक्टर जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसने उनके परिजनों से पैसा वसूलने के लिए निर्देश दिया है, इसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट जो है इसके अंतर्गत सेक्शन 88 के अंडर ये इंक्वायरी शुरू हुई थी और उसके अंदर लोगों से खुलासा मांगा गया कि आपसे ये पैसा क्यों ना वसूल किया जाए और किस किस के लोगों का रिलेशन है। तो उसके अंडर प्रोविज़न ये है, जब ऐसी इंक्वायरी इनिशिएट होती है तो उस डेट से 5 साल पहले तक जो डायरेक्टर होते हैं, ऐसे डायरेक्टर लोगों के खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू होती है। तो अभी तो ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं इन लोगों के खिलाफ और बाद में आगे उसमें इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक स्पेशल ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें बताया गया कि जो पिछले 5 साल में भी डायरेक्टर थे उनमें से भी लगभग सारे डायरेक्टर्स विवेक पाटिल जो कर रहे हैं उससे अनजान थे, नंबर एक। नंबर दो, और अगर उनके ध्यान में भी कभी कुछ गलत आ भी गया तो भी उनमें विवेक पाटिल है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कैपेसिटी नहीं थी। विवेक पाटिल ये समझते थे कि मैं इन लोगों को बैंक के ऊपर डायरेक्टर बनाकर उपकार कर रहा हूँ, ऐसी भावना उनके मन में थी और यही भावना सामने वाले के मन में पैदा करने में वो कामयाब हुए थे। तो ऐसे सूरत में
ये जो बैंक का जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी डायरेक्टर लोगों ने बताया कि हमको ये पता नहीं कि बोगस कर्जा है, हमको पता नहीं कि इसके कोई कागजात नहीं है। जो कर्जदार जिनके नाम से पैसा निकाला गया वो कर्जदार कहते हैं कि हमको बस मोहरा बनाया गया और हमारे नाम से कर्जा है पर हमने इस कर्जे को इस्तेमाल नहीं किया। और उन सारे लोगों ने, डायरेक्टर्स ने, कर्जदारों ने, सारे लोगों ने लिख के दे दिया कि ये पैसा विवेक पाटिल ने अपने बुद्धि से और अपने खुशी से इस्तेमाल किया हुआ, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। और शॉकिंग बात ऐसी है कि विवेक पाटिल ने कंफर्म कर दिया वह स्पेशल ऑडिटर के सामने, पुलिस के सामने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सामने, और जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट में खुद विवेक पाटिल ने पिटिशन करके ये बताया कि ये पैसा सब मैंने इस्तेमाल किया है। वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैंने पब्लिक कॉज के लिए इस्तेमाल किया है। ये क्या पब्लिक कॉज है जहाँ पे पैसा डाला और वहाँ से वापस क्यों नहीं आ सकता, इसकी जानकारी अब तक कुछ नहीं मिली है। सर, आप लोगों ने डिमांड की थी जब FIR दर्ज करने के पहले, पुलिस कमिश्नर से भी मिले थे, आप लोगों ने कहा था कि तत्काल इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमा फेसी एक बात क्लियर हो गई थी कि ये जो पूरा घोटाला है कहीं ना कहीं विवेक पाटिल के आसपास और उनके जरिए किया गया है। अब जब ये चार्जशीट एक्चुअली सामने आ गई है तो आप अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में तत्काल गिरफ्तारी संभव है? मेरा तो ये कहना है कि अभी जो महाविकास आघाड़ी बनी है, ये महाविकास आघाड़ी का विवेक पाटिल को पूरा प्रोटेक्शन है। कोरोना ने कई सारे जाने ले ली, पर कोरोना ने विवेक पाटिल को ये एक, मैं कहूँगा कि लाइफलाइन दे दिया है कि जिसके तहत विवेक पाटिल अभी तक जेल नहीं गए। हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं पुलिस के पास, हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास, पर अभी तक विवेक पाटिल के ऊपर छोड़िए किसी भी एक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना पैसा, लोगों का मेहनत का पैसा उन्होंने हड़प लिया और अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब यह है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे नहीं पता कि क्या इस भ्रष्टाचार में महाविकास आघाड़ी और शेतकरी कामगार पक्ष के बाकी तमाम नेता जो आज विवेक पाटिल के खिलाफ, विवेक पाटिल के लोगों के पैसे खाने के खिलाफ एक लफ्ज तक निकालने को तैयार नहीं। आप आज जाइए पनवेल के रस्तों के ऊपर, शेतकरी कामगार पक्ष के बैनर्स है, महाविकास आघाड़ी के बैनर से उनके ऊपर विवेक पाटिल का फोटो अभी तक लगा गया है। विवेक पाटिल का फोटो सबसे ऊपर लगाया है ताकि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि विवेक पाटिल हमारे आदर्श है। तो ये लोगों का पैसा हड़प करने वाले विवेक पाटिल क्या इनके आदर्श है? इसका जवाब शिका पक्ष को देना चाहिए, इसका जवाब महाविकास आघाड़ी को देना चाहिए। सर, अब क्या उम्मीद है कि क्या इस मामले में, जैसा आपने खुद भी कह दिया कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार इस तरह से घोटालेबाजों को बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, अब इसमें जो मुख्य मुद्दा यह है कि निवेशकों का पैसा वापस मिलना चाहिए और ये तभी संभव होगा जब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी और पैसे का रिकलेक्शन होगा। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए किस तरह की तैयारी होगी, किस तरह का प्रोविजन होगा, किस तरह का अभी आगे प्रोसेस किया जाएगा ताकि उनका जो पैसा है वो खून पसीने की जो कमाई हो सुरक्षित रह सके और इनकी गिरफ्तारी जो है वो पॉसिबल हो सके? करनाला बैंक के माध्यम से जो सारे पैसे लोगों ने डिपॉजिट रखे थे और विवेक पाटिल ने ये सारे पैसे हड़प लिए, ये पैसे कहाँ गए इसका तो जवाब उनको देना पड़ेगा। ये पैसे हड़पने में उनको करनाला बैंक के किन किन लोगों ने मदद की, इसकी तो लोगों को जानकारी मिलनी पड़ेगी। आज लोगों ने बहुत ही विश्वास के साथ में उनकी बैंक में पैसा रखा, ये पैसा लोगों को वापस मिलना चाहिए। अब ये पैसा वापस मिलने के लिए क्या कर रहे हैं शेतकरी कामगार पक्ष के लोग, क्या कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी में? शिवसेना उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है, NCP उनके साथ है, तो ये तो लोगों में बहुत बड़ी बड़ी आदर्शवादी की बात करते हैं। तो ये पैसा लोगों को मिलने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट दे दे वो। हम प्रेस में आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से उनको सवाल पूछते हैं, उसका जवाब उनकी ओर से नहीं आता है। और बाकी चार मंच पे वो लोग जाके शान के साथ में खड़े रहते हैं। ये लोगों का पैसा देने की जवाबदारी है कि नहीं? कोरोना का काल है, वरना तो हम लोग अब तक और चार बार मोर्चे निकाल दिए होते पुलिस के ऊपर, हम लोग जाते हैं शासन के ऊपर, इनके घर के ऊपर मोर्चा निकालना पड़ेगा तब शायद ये जाके जवाब दे देंगे।
बहुत एक साल गुजरा उसके बाद में चार गाड़ियां जब्त कर दी और उनके उनकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है पिछले 5-10 सालों में, और ये प्रॉपर्टी को अगर वो लोग प्रॉपर्टी को सेल करे, उसको जब्त करे, सेल करे, तो मुझे लगता है कि 70-80% लोगों के पैसे वापस दिए जा सकते हैं। तो 100% लोगों के 70-80% पैसे अगर वापस दिए जाए तो वो गवर्नमेंट को दुआ दे सकते हैं, पर ये गवर्नमेंट की नीयत नहीं है कि वो लोगों के पैसे वापस देना चाहते हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इसका जवाब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम तलब करेंगे। सर आखिरी सवाल, क्या स्ट्रेटजी होगी अभी अगर अभी भी अगर निवेशकों के पैसे समय पर नहीं मिलते हैं और गिरफ्तारी में अगर देरी होती है तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? हमको कोरोना ने हमको बांध के रखा हुआ है और कोरोना के चलते हम रुके हुए हैं। आए दिन अभी शादियों का सीज़न था तो शादियों के मुहूर्त में मेरे पास ऐसे चार लोग आए कि जिन्होंने कहा करनाला बैंक में हमारे पैसे फंसे हुए हैं और वापस नहीं मिल रहे, हमको घर की शादी करनी है और कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं, घर की नौकरी थी चली गई, अब हमको कुछ तो आप मदद कर दो, जब करनाला बैंक से पैसे वापस आ जाएंगे हमको दे दो। तो मुझे ऐसे कुछ लोगों को मदद करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों का दुर्बलता है, इस दुर्बलता के ऊपर कहीं ना कहीं तो उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, ये हमारा पहला इंटेंशन होगा, और लॉकडाउन और बढ़ने वाला है और कार्रवाई अगर कुछ होने वाली नहीं तो लॉकडाउन खुलने से पहले ही हमको एक्शन लेनी पड़ेगी, मोर्चा निकालना पड़ेगा। जैसा कि देखा आपने खुद, विधायक प्रशांत ठाकुर जी जो इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जब चार्जशीट सामने आ गई है और सभी संचालकों की गिरफ्तारी की बात, एक तरह से अभी गिरफ्तारी की तैयारी हो गई और पैसा वसूलने की तैयारी हो गई है, ऐसे समय में अभी भी आपका प्रयास यह जारी है कि अगर निवेशकों का पैसा समय पर नहीं मिलता है और घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर सड़क पर उतरकर संघर्ष फिर से करना पड़ेगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।